हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कवरिंग आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इवेल्युएशन बाय ऑर्गेनोलेप्टिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इवेल्युएशन की। इवेल्युएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करने का मतलब हो गया उसका मूल्यांकन करना। मतलब हम उसको देख रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी देख रहे हैं, उसके अंदर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख रहे हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी कितनी है, प्योरिटी कितनी है और कितने ज़्यादा उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, या किसी तरीके की उसके अंदर मिलावट तो नहीं की गई है। जब हम क्रूड ड्रग्स के रिलेशन में बात कर रहे हैं इवेल्युएशन की, तो इवेल्युएशन हम सिंपली कह सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग, कि ड्रग हमारी ओरिजिनल है या नहीं है, एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, कि उस ड्रग की वो क्वालिटी है और प्योरिटी है या नहीं जो हमें चाहिए थी। अब इवेल्यूशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है जिससे कि हम जान सके कि हमारे ड्रग के अंदर किसी तरीके का कोई बायोकेमिकल चेंज तो नहीं आया है, या उसके अंदर किसी भी तरीके का मिलावट तो नहीं गई, एडल्टरेशन तो नहीं गई है, या स्टोरेज के दौरान उसके अंदर कोई डिटोरेशन तो नहीं हुआ है, इन्वायरमेंटल एज वेल एज माइक्रोबियल, या उसके अंदर किसी तरीके का सब्सटीट्यूशन तो नहीं किया गया, या उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई कमी तो नहीं है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच वी नीड फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग। अब बात करते हैं इवेल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ये पांच मेथड्स होते हैं हमारे इवेल्यूएशन के। सबसे पहला हमारा आता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन में हम जनरली ड्रग को इवेल्यूएट करके देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर, ओडर, टेस्ट, शेप, टच, टेक्सचर एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन में हम जनरली, जैसे कि आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन। फिजिकल इवेल्यूएशन का मतलब हो गया फिजिकली हम एग्जामिनर करके देख रहे हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी कितनी है, ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल इवेल्यूएशन में स्टडी करते हैं। केमिकल इवेल्यूएशन में हम जनरली स्टडी करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में। एंड लास्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन। जब हम किसी ड्रग का इवेल्यूएशन किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे करते हैं, प्लांट्स पे, प्लांट्स के किसी भी केमिकल का या एज वेल एज होल प्लांट का, जब हम स्टडी करके देख रहे हैं किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे, वो एनिमल भी हो सकता है, वो पार्ट ऑफ एनिमल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन की। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन, जैसे कि मैंने बताया, इस इवेल्यूएशन में हम जनरली क्या इन्वॉल्व करते हैं, इसमें हम देखते हैं ड्रग का कलर कैसा है, ओडर कैसी है, स्मेल कैसी है उसकी, टेस्ट कैसा है, शेप कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका टच कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन के अंडर में आती हैं। और ये एक टाइप की क्वालिटेटिव इवेल्यूएशन है, मतलब ड्रग की क्वालिटी को देख रहे हैं बाय एग्जामिनिंग इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड सेंसरी करेक्टर, मतलब जो हम सेंस कर सकते हैं और जो देख सकते हैं उन सारे करेक्टर्स के बेसिस पे। तो स्टडी ऑफ ड्रग माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व, उसमें हम विजुअली एग्जामिन करते हैं ड्रग को एज वेल एज उसको सेंसरी करेक्टर्स के थ्रू, उसकी स्मेल लेके, उसके टेक्सचर को देख के, ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन में आती हैं। फिर इसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे कि बाक्स। बाक्स में फिर आपके अलग अलग टाइप की बाक्स हो गई, फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक रूट्स, राइजोम्स, फिर लीव्स। लीव्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव। सिंपल लीव में जनरली हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक ही नोड पे होते हैं, बल्कि कंपाउंड लीव में ये बहुत सारी लीफलेट्स में छोटी छोटी पत्तियों में टूटी हुई होती है। फिर फ्लावर्स में आ गया, फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट हो गए, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम जो मेल पार्ट होता है, गायनोशियम जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे मिलके हमारे बनाते हैं इनफ्लोरेसेंस। फिर फ्रूट्स हो गए हमारे अलग अलग तरीके के, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपाउंड फ्रूट्स। बहुत कॉमन से एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे टालका गम जो एक सब्सिट्यूट की तरह यूज होता है केशिया गम में, वो जनरली हम उसको पहचान सकते हैं वाइट कलर एंड फॉर्म, क्योंकि जनरली जो टालका गम होता है वो ब्रोक टूट जाता है और ब्राउन कलर के टीयर्स उसमें से निकलते हैं, वरियाज जब केशिया गम तोड़ेंगे तो उसमें येलो कलर के टीयर्स दिखाई देते हैं, लेकिन वही हमें टालका गम में ब्राउन या कलरलेस टाइप के टीयर्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम इजिली पहचान सकते हैं कि इसके अंदर एडल्टरेशन की गई है। लास्ट सेशन का हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी,
कि माइक्रोस्कोप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप को इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्लांट्स के अंदर के सेल्स को, टिश्यूज को, उनके अरेंजमेंट को हम देख सकें थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक। अब इसमें हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स मतलब सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, किस तरीके का उनका अरेंजमेंट है आपस में, किस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर प्लांट के अंदर अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम अलग अलग सेक्शंस के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स सेक्शन, या हमारे जो अलग अलग टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस के थ्रू कट करके हम क्या उसके प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करके देखते हैं। और मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, माइक्रोस्कोप में लार्ज करके हम माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे ड्रग के अंदर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो है या नहीं है। अगर किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा उसके अंदर, तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारी वो ड्रग नहीं है। एज वेल एज हम इसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी पाउडर ड्रग्स पे भी थ्रू डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं लीफ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो लीफ कॉन्स्टेंट क्या है, एक तरीके की हमारी टेक्निक है जो हमारी माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के अंडर में आती है। इसमें हम लीफ कॉन्स्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि हम क्या है, किसी प्लांट के अंदर उसके कॉन्स्टेंट वैल्यूज को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लीफ कॉन्स्टेंट के नाम से डिनोट कर रहे हैं। अब इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं लीफ कॉन्स्टेंट को मेजर करते टाइम। सबसे पहला आपका आता है स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर का मतलब हो गया, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे स्टोमेटल नंबर। आप सोच रहे होंगे स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा एक माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल पोल होती है और टू किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये वेरी करता है। स्टोमेटा का सिंपल सा फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का और ट्रांसपिरेशन का। सेकेंड हमारा आता है स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का मतलब हो गया, इट इज द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड ईच स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। इसका मतलब हो गया कि ये एक परसेंटेज है किस चीज की, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पे हमारे प्रेजेंट है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। एस हो गया आपका नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और ई हो गया आपका नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया। तो जनरली हम क्या है, ये सारी चीजें हमारी लीफ कॉन्स्टेंट के अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा वेन इजलेट नंबर। वेन इजलेट का मतलब हो गया, इट इज द नंबर ऑफ वेन इजलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन। तो वेन इजलेट का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये हो गया हमारा कि कितना अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ वेन इजलेट्स प्रेजेंट है हमारी। वेन इजलेट्स का मतलब हो गया कितनी नंबर ऑफ वेन्स प्रेजेंट है। फिर हमारा आता है वेन टर्मिनेशन नंबर। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन प्रेजेंट इन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन। मतलब जैसे आपने ब्रांचेस देखी होंगी ट्रीज की, उसकी कुछ एंडिंग्स होती है, उसी तरीके से वेन्स की जो एंडिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर। पर स्क्वायर mm में कितनी वेन्स की एंडिंग्स हैं उसको हम वेन टर्मिनेशन नंबर बोलेंगे। लास्ट हमारा आता है पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो का मतलब हो गया, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मल सेल्स। और इसको जनरली जो हमने पीछे अभी स्टडी किया था लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, उसमें पाउडर ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, वैसे ही पेलिसेट रेशियो हमारा निकाला जाता है। तो पेलिसेट सेल्स भी हमारे क्या है, एक तरीके के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे, और जो जनरली हम क्या है स्टडी में लेते हैं पेलिसेट रेशियो के अंडर में। अब आप सोच रहे होंगे पेलिसेट सेल्स काम क्या, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो पेलिसेट सेल्स हमारे लीव्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट बिलो द एपिडर्मिस। अब पैलिसेड सेल्स हमारे जनरली फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में हम स्टडी करते हैं स्टोमेटा के बारे में।
तो अब मैं आपको बताऊंगा स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टोमा जो होता है वो एक तरीके की हमारी माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग होती है, जिसके अंदर एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड टू किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो कवर्ड होते हैं बाय वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडरी और एपिडर्मल सेल्स। तो इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, एक तरीके के हमारी ओपनिंग्स हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स हैं, जिसके अराउंड क्या है गार्ड सेल्स प्रेजेंट है और गार्ड सेल्स के अराउंड हमारे प्रेजेंट है सब्सिडरी यानी एपिडर्मल सेल्स। तो जनरली जरूरी नहीं है कि ऑल द प्लांट डू नॉट नेसेसरी हैव स्टोमेटा। लाइक फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड सबमर्ज लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लैक स्टोमेटा। जरूरी नहीं है हर प्लांट के अंदर ही क्या है हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट हो। कुछ हमारे ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। तो स्टोमेटा जनरली जो होता है वो हमारे लीव्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब ग्रीन पार्ट्स, और ज्यादातर अबंडेंटली ये डाइकॉट लीव्स में देखा जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड इन सम केसेस दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। कुछ केसेस में ये क्या है, ये ऊपर वाली सतह पे लीव्स की प्रेजेंट होते हैं या कुछ में निचली सतह पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोकोआ और चेरी। और जब हम भाई बोथ द सर्फेसिस पे प्रेजेंट होंगे लाइक सेना, बेलाडोना, धतूरा एसेट्रा, और कुछ केसेस में ये लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और अपर सरफेस पे भी। तो स्टोमेटा जो जनरली हमारे प्रेजेंट है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड डाइकॉट लीव्स, उनके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो स्टोमेटा में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन स्टेम्स, स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ केसेस में लाइक एफेड्रा, फिर कुछ फ्लावर्स में लाइक क्लोव एंड कुछ फ्रूट्स में लाइक फेनल। और बट ये जनरली क्या है रूट्स के अंदर हमें एबसेंट होते हैं ये। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए। और जो इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है वो होता है हमारा ट्रांसपीरेशन का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा जनरली हमारा फोर टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जो हमारे टाइप ऑफ गार्ड सेल्स अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स के बेसिस पे होता है। तो फोर्थ टाइप ऑफ स्टोमेटा हैव डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, हम उसे देख सकते हैं। और फोर टाइप्स के नाम होते हैं मॉस टाइप, जिम्नोस्पर्मस टाइप्स, ग्रेमिनियस टाइप्स एंड डाइकोटिलेडोनस टाइप। अब बात करेंगे हम जो जिसका हम देख सकते हैं, जिसके अरेंजमेंट को पर्टिकुलरली स्टडी कर सकते हैं, यानी कि डाइकोटिलेडोनस स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स, मतलब किस तरीके का अरेंजमेंट है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में, उसके बेसिस पे इन्हें फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका आता है पैरासाइटिक और रुबेशियस और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा है इसके अंदर हमारे दो गार्ड सेल्स होते हैं, जिसके साथ साथ क्या है दो कवर्ड सब्सिडरी सेल्स भी होते हैं हुज लॉन्ग एक्सिस आर अरेंज पैरेलली टू दैट ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पे आप पैरासाइटिक या रुबेशियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपका एक स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, उसके साथ दो गार्ड सेल्स होंगे और दो सब्सिडरी सेल्स, इसीलिए इसको पैरासाइटिक बोला जाता है। पैरा मतलब सिंगल, एग्जाम्पल हो गया आपका कोका और सेनालीज। सेकेंड हमारा आता है डाईएसाइटिक और कैरोफाइलस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। ये एक ऐसे टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिसके अंदर क्या है हमारे टू गार्ड सेल्स होंगे प्रेजेंट कवर्ड विद टू सब्सिडरी सेल्स अरेंज एट राइट एंगल टू द स्टोमेटा लाइक पेपरमेंट स्पियरमेंट ऑफ वसाका। मतलब ये एक ऐसे स्टोमेटा है जिसके अंदर हमारे दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे कवर्ड विद टू सब्सिडरी सेल्स अरेंज एट राइट एंगल्स। थर्ड हमारा आता है एनिसोसाइटिक और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। अब इन टाइप के स्टोमेटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि दीज स्टोमेटा है टू गार्ड सेल्स कवर्ड विद थ्री सब्सिडरी सेल्स, एक स्मॉलर होगा अदर देन टू लाइक एग्जाम्पल बेलाडोना, धतूरा, स्टेमोनियम। एनिसोसाइटिक में मतलब क्या है, स्टोमेटा के अंदर हमारे क्या है दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और हमारे तीन सब्सिडरी सेल्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ एंड लास्ट हमारा आ गया अनोमोसाइटिक और रेनुनोक्लियस और इररेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। इन टाइप के स्टोमेटा के अंदर हमारा सराउंडेड होता है वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स सिमिलर टू आर एपिडर्मल सेल्स लाइक डिजिटेलिस और लोबेलिया। इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको अभी बताया स्टोमेटल टाइप्स के बारे में, पैरासाइटिक वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने वहां पे बताया था
कि यहाँ पे क्या है, दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं दो स्मॉल किडनी शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, जिसके अराउंड क्या है, दो सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है। फिर ये इसी को बोलते हैं पैरासाइटिक या रुबेशियस स्टोमेटा। सेकेंड आपके थे डाइसाइटिक स्टोमेटा। इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि जो ये टाइप का स्टोमेटा है, इसके अंदर हमारे दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, कवर टू सब्सिडरी सेल्स, इसीलिए इसको डाई बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें दो हमारे सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है विद टू गार्ड सेल्स। थर्ड हमारा था अनिसोसाइटिक स्टोमेटा या क्रूसीफेरस। इसमें कहता है दीज स्टोमेटा हैव टू गार्ड सेल्स कवर विद थ्री सब्सिडरी सेल्स। अब ये हमारा आ गया अनिसोसाइटिक स्टोमेटा, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन सब्सिडरी सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स एक स्मॉल है और दो बड़ी हैं, इसके साथ साथ हमारे क्या है, दो गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट है हमारे स्टोमेटा के साथ। लास्ट हमारा आता है अनोमोसाइटिक और रेनिकोसेलियस और इरेगुलर सेल स्टोमेटा। इस स्टोमेटा में भी आप देख सकते हैं जो हमारा स्टोमेटा है वो कवर्ड है सराउंडेड हमारे वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनोमोसाइटिक में क्या है, इरेगुलर नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स हमारे प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था लोबेलिया और डिजिटालिस का। अब बात करते हैं ट्राइकोम्स की। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ट्राइकोम्स भी को हम प्लांट हेयर्स भी बोलते हैं, और ये भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है विच आर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग ड्रग्स एंड डिटेक्टिंग एडल्टेरेंस। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर ड्रग को पहचानना चाहते हैं या उसके अंदर किसी तरीके के एडल्टरेशन को जानना चाहते हैं, तो ट्राइकोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा इस टाइप की कंडीशन में। ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली हमारी आउटग्रोथ्स होती है ऑन द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के ऊपर ये कुछ एलोंगेटेड हेयर्स के टाइप होते हैं, लाइक ट्यूबुलर होंगे, या तो ट्यूब्स की फॉर्म में होंगे, या एलोंगेटेड होंगे, या ग्लैंड्स की फॉर्म में होते हैं। ये कुछ इनके स्पेसिफिक शेप्स रहते हैं, जैसे ट्यूबुलर, एलोंगेटेड और ग्लैंडुलर। अब जो हमारे ट्राइकोम्स होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट, जो हमारे जनरली एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेकेंड हमारा होता है बॉडी, जो हमारे एपिडर्मिस के बाहर प्रेजेंट होता है। तो अगर जनरली बात की जाए तो ट्राइकोम्स नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम पे ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सिक्रीशंस के, जैसे कि दे एक्सक्रीट वाटर एंड वोलेटाइल ऑयल्स। जैसे आपने पिपरमिंट का प्लांट देखा होगा, उनके केसेस में ये वाटर को एक्सक्रीट करते हैं और वोलेटाइल ऑयल्स को, इसी वजह से उसकी कुछ एसेंस हमें देखने को मिलती है पिपरमिंट के प्लांट के अंदर। फिर दे आर ऑल्सो फाउंड इन लीव्स लाइक सेना लीव्स एंड डिजिटालिस लीव्स। फिर कुछ सीड्स में भी देखने को मिलते हैं हेयर्स की फॉर्म में, जैसे नक्स वोमिका या स्ट्रोवेंथस है। नक्स वोमिका भी हमारा जनरली कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है उसकी सीड्स में। फिर कुछ फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे हेलिक्टेरिस इसोरा और लेडी फिंगर एसेट्रा। लेडी फिंगर में तो आपने कॉमनली देखा ही होगा कि किस तरीके के छोटे छोटे व्हाइट हेयर्स की फॉर्म में ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जनरली प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड दे आर कम्प्लीटली एबसेंट इन कोका, सेवन, हेमलॉक एंड समटाइम्स प्रेजेंट इन वुकू एंड हैना। फिर ट्राइकोम्स का अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई भी करते हैं। क्लासीफिकेशन में सबसे पहले में आते हैं आपके कवरिंग ट्राइकोम्स। कवरिंग में आपके आ गए यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर में अनब्रांच ट्राइकोम्स, मल्टी सेल्यूलर, फिर ब्रांच ट्राइकोम्स। यूनिसेल्यूलर में आपके आ गए ये लिग्निफाइड, जैसे नक्स वोमिका में, शॉर्ट शार्पी पॉइंटेड कैनाबिस में, लार्ज स्ट्रॉन्गली शर्कन में, लोबेलिया स्ट्रॉन्गली वेव थिक वॉल्ड में, अर्बन सेनिया में। मल्टी सेल्यूलर में जैसे आपके आ गए यूनिसीरिएट, बाईसीरिएट, मल्टी सीरिएट, इसमें बाई सेल्यूलर हो गए हमारे यूनिसीरिएट में, कैलेंडुला ऑफिसिनलिस बाई सीरिएट, मल्टी सीरिएट में मेल फर्न। ऐसी मल्टी सेल्यूलर ब्रांच ट्राइकोम्स में आपका आ गए स्टीलेट, पेल्टेट, कैंडिलेब्रा, टी शेप्ड। फिर हमारे आते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, जो ग्लैंड्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एट द टॉप ऑफ दिस ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर या स्फेरिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जनरली, एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। जैसे यूनिसेलुलर में आपके आ गए स्टॉक एबसेंट होती है उसमें, जैसे एग्जाम्पल में पाइपर, बीटल, वसाका। मल्टी सेलुलर में आपके आ गए ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर, हेड एंड स्टॉक, डिटेलस, परप्यूरिया। फिर आपका लास्ट आता है हाइड्रोथोड, ये हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीटिंग ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, एंड दे आर जनरली डेवलप्ड इन सम पर्टिकुलर प्लांट्स ओनली, लाइक पाइपर, बेटल और लंडन प्राइट।
तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के हमारे ट्राइकोम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इवन इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग्स में।